हेलो एवरीवन, मैं आपका मनदीप सिंह बैडमिंटन कोच। आज मैं आपको बताऊंगा जो फुटवर्क बैडमिंटन कोर्ट में इम्प्रूव कैसे करें और जो एथिकल जो तरीका है फुटवर्क का वो आज आपको मैं बताऊंगा आप सबको। देखिए, सबसे पहले 1 2 3 4 सेंटर में होगा, सेंटर में रैकेट ग्रिप जो बताई गई आपको ग्रिप पकड़ी जाएगी। इसका लिंक मेरे कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, जाके सब्सक्राइब करके चैनल को नीचे दिया गया है, मैं बता दूंगा आपको। और सेकंड सेंटर पकड़ने के बाद जितना शोल्डर हमारी उससे थोड़ा सा वो लेग में हमारी गैप होगा, बस उसे राइट निकलेगा, राइट लेफ्ट राइट, पीछे एक शटल को ये बॉडी से आगे पीछे रहेगा, फिर बैकवर्ड लाइक दिस, फिर सेम वही लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये थम लगेगा इधर, वो बॉडी से आगे पीछे रहेगा, सामने शटल को आ रही है पट्टी, बैकवर्ड रनिंग जंप बनेगा। एक बार फिर से बता रहे हैं आपको, राइट लेफ्ट राइट, बैकवर्ड रनिंग जंप, राइट लेफ्ट राइट, बैकवर्ड रनिंग जंप, ये दो कॉर्नर आगे के कवर हो जाते हैं। तीन स्टेप्स है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए 5 स्टेप्स ले सकते हैं, जो छोटे बच्चे होंगे करने वाले उनको 5 स्टेप से कराएंगे, जैसे बच्चे की ग्रोथ बढ़ेगी 3 स्टेप हो जाएगा। लेकिन राइट लेग की आएगी राइट की, लेफ्ट लेग लेफ्टी के अंदर लेफ्टी होगा जो उसकी लेफ्ट है, जैसे मैं राइट ही हूँ, राइट लेफ्ट राइट, बैकवर्ड रनिंग जंप, जो लेफ्टी होगा उल्टा चलेगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट, बैकवर्ड रनिंग जंप, सेम यहाँ पे कोई लेफ्ट राइट लेफ्ट, हम बैकवर्ड रनिंग जंप, मैं राइट ही हूँ इसलिए राइटिंग के हिसाब से आपको बता। अब आ गया डिफेंस, सेम सेंटर को पकड़ेंगे डिफेंस में, डिफेंस का 1 पहले ये मूव करेगा राइट, 1 2 3 जंप, इस साइड में पहले फर्स्ट सेकंड हिट, फर्स्ट सेकंड हिट, अब उस साइड जाएंगे क्लियर हो गया 4 1 2 3 4 बता दिए। पिछले कॉर्नर कैसे कवर करेंगे, पिछले कॉर्नर में शटल को बाल के शटल को देखते हुए 1 ये क्रॉस में जाएगा, अगर ये ए बनेगा 1 2 3 जंप, ये जंप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको भी बताते हूँ, समझेंगे मेरी बात को, रैकेट रख देता हूँ, फुटवर्क पे सिर्फ फोकस करेंगे, फुटवर्क पे 1 2 3 अगर ये मैंने कर दिया नहीं कर सकते मैं कोर्ट में जाऊंगा, ये नहीं करना, फुटवर्क को रोकना नहीं है, कैसे करेंगे फिर एक बार से ध्यान से देखेंगे, मुझे 1 2 3 ये चीज आनी चाहिए, अभी मैं स्लो मोशन में फिर करके बता रहा हूं, 1 2 3 ये राइट है, ये फिर सेंटर कवर हो जाएगा हमारा, सेंटर कवर होने के बाद उस साइड जाना है, उस साइड जाने के लिए क्या करेंगे, सेम राइट इस साइड मूव करेंगे राइट, इस लेग के पीछे लाइक वन, देखेंगे एक बार राइट के साथ 1 2 3 ये सेम, ये पोजीशन पीछे यहां पर दोनों साइड आ जाएगा, दोनों साइड आने का मतलब आपकी स्पीड आगे की तरफ फोकस फ्लो बढ़ गया, इसका मतलब ब्रेक लगती होगी, ब्रेक नहीं लगाई, अभी दोनों साइड का देखा हो रहेगा, अभी मैंने आपको इस 6 कॉर्नर का सारा फुटवर्क बताया बेसिकली बहुत इजी वे में, इसको कुछ और इजी वे में करके मैं आपके सामने पेश करता हूँ, हेल्प लेंगे मार्कर की, मार्कर की मार्किंग कर देंगे हम, 1 इस सेंटर का लगा देंगे,
हमारी जितने की आप सबको अभी मैं आपको इसके बाद शटल को करके दिखाता हूँ। क्लियर हो गया, अभी इसको हम शटल पॉक के ऊपर करते हैं। एक मिनट, कभी कभार ऐसा भी बीच में होगा शटल पॉक आपके पास में आ रही है, तीन स्टेप नहीं ले लें, एक स्टेप में अगर आ गई एक स्टेप में कर लो राइट लेग याद रहेगी। अगर पास में शटल पॉक थोड़ी दूर है, दो स्टेप है, दो स्टेप है तो दो स्टेप में कवर कर लेंगे लाइक बिल्कुल चुनो किया जाए नट का, तब तीन स्टेप ले लें। ये भी चीज का ध्यान रखें, यहाँ पे भी शटल पॉक पास में है, पास में अभी दूर फेंके रहे एक इधर पास में थोड़ा दूर और दूर लंजी दूर के हिसाब से निकालना है जितनी फार डिस्टेंस शटल को का एक पंचो इधर थोड़ा देर किया हाई फेंके ज्यादा दूर नहीं, इसमें भी सेम रहेगा ये राइट लगा थोड़ा पीछे उस साइड में भी फोर एंड स्लो लाइक लेफ्ट को लेकिन राइट में एक क्लियर हुआ पीछे जाओ। अभी आपको मैं इसका तरीका वही है सेम, मार्किंग रख के मुंह से बोलो लाइन राइट लेफ्ट राइट बैकवर्ड रनिंग जंप राइट लेफ्ट राइट बैकवर्ड रनिंग जंप राइट लेफ्ट राइट हिट जंप वन टू पूरी पीछा रही है। अगर मेरा लंच अच्छा है तो खड़े खड़े क्यों कर दूंगा, फ्लेक्सिबिलिटी वो जरूरी है, एक्सरसाइज जरूर किया करो, स्ट्रेचिंग आफ्टर आपका प्लेइंग गेम ट्रेनिंग के वो जरूरी पार्ट है, मैंने लाइफ में आज तक कभी मिस नहीं किया। और पीछे का भी सेम होते रहेंगे, चाहे एक स्टेप पे करो तीन स्टेप पे या दो स्टेप पे क्यों हो रहा, वन टू जब ये क्लियर हो जाए फिर दो स्टेप वन टू हिट वन टू हिट। पीछे वाला मुश्किल होता है लेकिन उसके लिए एक तरीका छोटा सा और बता दूं एडवाइस, देखिए पीछे छोटे बच्चे ये गेम स्टार्ट कर सकते हैं इमीडिएट, जब ये आपका एक्चुअल हो जाओगे क्लियर हो जाएगा तो बोथ साइड आराम छोटे छोटे तो उसमें थोड़ा चेंजेस कर देंगे, ये कटिंग आई है थोड़ी कटिंग लाइक ये कटिंग आ जाएगी, उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस आपकी प्रैक्टिस है थोड़ा सा इसमें और आपके स्टेप बड़े होने शुरू हो जाएंगे अपने आप ही हो जाएंगे। शटल को देखते हो जाओगे शटल को नीचे आएंगे शटल को काली लाइन से देखिए काला हो गया और से भी पार हो गया दो स्टेप में हाइट कम है मेरी 5 फुट 3 या 4 इंच होगी लेकिन पूरे कोर्ट में इसलिए करता हूँ फ्लेक्सीबिलिटी के ऊपर भी एक वीडियो निकालूंगा जल्दी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितने बंदे देखना चाहते हैं तो मैं तब बताऊंगा बनाऊंगा उस पर वीडियो। बाकी सारा बेस आज मैंने आपको क्लियर कर दिया, नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट कीजिए।
ये स्किल आपकी फुटवर्क को इम्प्रूव करेगा और उसकी स्पीड बढ़ाएगा। इसके लिए ये प्रैक्टिस करें, ये देखिए जो ये मेरा स्टूडेंट कर रहा है। अभी मैं टाइम लगा के स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कितने मिनट में खत्म करेगा। चल चल कम ऑन फास्ट, कम ऑन पीछे पीछे, बीच में नहीं हो रहा है, बीच में पोजीशन नहीं ले रहा है। ना ना कोई बात नहीं, दूसरी बारी दूसरी बारी, फटाफट कर फटाफट, कम ऑन उठी ए फास्ट आपके सामने। पुल डाउन। मनदीप सर की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताओ, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट में बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल विच इज़ मनदीप सिंह बैडमिंटन कोच। थैंक यू।